दिक्कत हो जाएगी। क्या सुझाव दिया? शुक्रिया साथियों। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण चीज कहूँ कि हमने माननीय चुनाव आयोग का शुक्रिया अदा किया कि हमारे कुछ सुझावों को उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही थी, चाहे पर बूथ कितने लोग हो सकते हैं। हमने आज दो तीन आग्रह किए, खास तौर पे चार। पहला कहा कि पर बूथ जो फिजिकल डिस्टेंस दैहिक दूरी का मामला होता है उसके हिसाब से 1000 को 750 करें, भले उसके लिए मोबाइल बूथ बनाना पड़े, कोई और व्यवस्था करनी पड़े। दूसरी बात है, हमने आग्रह किया कि आपने 7 बजे से 5 बजे वाले टाइमलाइन को एक्सटेंड करके 6 बजे किया है। दैहिक दूरी, कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र और भी जितने प्रोटोकॉल हैं उसके हिसाब से हमने कहा 7 से 7 कीजिए, यानी कि 12 घंटे का वक्त वोटर को अवेलेबल हो। तीसरी चीज़, संक्रमण को लेकर के जो डर व्याप्त है लोगों के बीच में, जो भय है, उससे वोटिंग परसेंटेज कम न हो, उसके लिए एक आवश्यकता है कि इलेक्शन कमीशन एक ऐतिहासिक फैसला ले वोटर इंश्योरेंस का, हर वोटर का बीमा हो, ताकि उसके अंदर अगर खौफ है, डर है, तो कम से कम उसकी भरपाई, उसकी कमी में मदद मिले। फिर हमारे साथियों ने और भी एक सवाल किया कि मान लीजिए कि कैंपेन में आपने कहा 5 लोग, मैं एक गांव से गुजर रहा हूँ, स्वतः स्फूर्त 30 लोगों की भीड़ आ गई, 40 लोग आ गए, वो मुकदमा किस पे हो जाएगा? विधायक के उम्मीदवार ने तो भीड़ नहीं बुलाई, या नेता ने नहीं बुलाई, स्वतः स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस है, गाँव की सकड़ी गलियों में। उसके मद्देनज़र हमने अपने सवाल रखे और आग्रह किया। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो हमने कहा कि तमाम वैसे अधिकारीगण जिनके बड़े गहरे निजी संबंध हैं सत्ता प्रतिष्ठान से, उन अधिकारियों पर चाहे किसी भी ज़िले में हो, उन पर एक नज़र रहे ताकि चुनाव प्रभावी ना हो। नाम दिए हैं क्या ना? ये हम राजद के चरित्र में नहीं। और एक आखिरी चीज़ जो हमने उनके सामने रखा माननीय चुनाव आयोग के समक्ष, कि चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि सबके लिए समान अवसर, सबके लिए समान अवसर। अब एक व्यक्ति हैं जिनके लिए करोड़ का मंच बनता है, और एक हमारे जैसे दल के लोग हैं जो 4 तखत पर तखत जोड़ करके प्रचार करते हैं, तो ये समानता नहीं रही, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहा। मैंने चुनाव आयोग से हमने ये आग्रह किया है, इसको देखें। और सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग, जिसके लिए चुनाव आयोग खुद भी अलर्ट है, उसमें रूमर, घृणा, वैमनस्य की बातें, उस पर फौरी तौर पर कार्रवाई हो और सख्त सजा मिले, ताकि संदेश जाए कि चुनाव सौहार्दपूर्ण माहौल में हो रहा है। शुक्रिया।